हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। राम राम आप सभी को मेरी तरफ से। और शाम का वक्त हो चुका है, ठीक है। और मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि कल की है राखी या परसों की। कोई कल की बता रहा है, कोई परसों की बता रहा है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक कल तो भद्रा है पूरे दिन, तो मैंने तो यही सोचा कि मैं परसों राखी बांधूंगी भाइयों को, और यस्सू भी परसों बांध देगी। बाकी पता नहीं, जैसे घर वाले कहेंगे वैसे चलना है भाई, ठीक है। और कल काफ़ी कमेंट आए थे इस फ़ोन के बारे में कि ये फ़ोन छोड़ दो, नया फ़ोन ले लो, इस फ़ोन में ब्लर आती हैं पिक्चर्स, वीडियो साफ़ नहीं आती और ख़राब हो चुका है फ़ोन। मतलब सब जितने थे वो सब इसी बारे में थे, फ़ोन के बारे में कि दीदी वीडियो बिल्कुल साफ नहीं आ रही। तो क्या बताऊँ मैं आपको कि ये फ़ोन मेरी शादी का फ़ोन है और मेरी लाइफ का पहला फ़ोन भी है ये। जब मकोड़ा है, जब मेरी शादी हुई थी तो ये मेरे को भाइयों ने दिया था। तो एक इमोशंस जुड़े हुए हैं इसके साथ। मेरे को सभी लोग बोलते हैं कि ये जो फ़ोन है इसको चेंज कर लो, ये अब उतना काम का नहीं है। मतलब इसमें कुछ साफ़ से नहीं दिखता और सारे ऐप्स होते हैं ना वो भी नहीं आते। मतलब बहुत ज़्यादा स्टोरेज क्या बोलते हैं ये, जबकि जब भर जाता है इसको फिर उन सभी को डिलीट करो। काफ़ी बार तो मेरे को जो मेरी शादी की भी पिक्चर्स थी ना वो भी डिलीट करनी पड़ी है मेरे को। लेकिन ये फ़ोन नहीं चेंज किया मैंने आज तक, लेकिन अभी चेंज करूँगी। आप सब लोग कह रहे हैं तो पक्का चेंज कर लेना चाहिए। लेकिन हाँ, ये फ़ोन मैं सेल नहीं करूँगी, मेरे पास ही रखूँगी, ये निशानी है, ठीक है। और बस राखी चीज़ ही ऐसी है, जब भी राखी का दिन आता है, रक्षाबंधन आता है, तो अजीब सा ही कुछ उमड़ के आता है। और आप लोग ये मत कहना कि दीदी आप रोई हुई हो। रोई नहीं थी, बस ज़रा ज़रा सा वो इमोशंस आते हैं ना वो थोड़ा सा, पर रोई नहीं हूँ मैं। बस अपनी लाइफ सोच रही थी, याद कर रही थी जो पीछे और जो अभी तक हुआ है ना। मतलब इतना झगड़ा, मतलब ऐसे लगता था कभी कभार तो कि जब रक्षाबंधन आती थी ना वो सिर्फ मेरे हिसाब से तो इसीलिए आती थी, जब हम छोटे छोटे थे तो पैसे मिलेंगे तब ये अंतर ही नहीं पता था इसका। और वो जो स्कूल में जो प्रस्ताव लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं, उसमें भी रक्षाबंधन भाई बहनों का त्यौहार है, इस दिन ये बनाए, घर में मिठाइयाँ बनती हैं, ये वो, बस इस टाइप से था, बहन भाई की रक्षा करता है। पर ये नहीं पता था कि किस तरीके से रक्षा करता है, इस रक्षा के क्या मायने हैं। मतलब वो उम्र ही ऐसी थी। और फिर इन भाइयों को भी ऐसे ही था, ऐसा नहीं है कि ये खाली पैसे हमको पैसे लेने होते थे इसलिए राखी बांधते थे। ये सभी से, सिर्फ जैसे मेरे से या रेनू से नहीं, कितनी होती थी ना बहनें, मौसी की, मामी की, किसी की भी लगा लो, जितनी भी बहनें होती थी ना चाचा तवों में, सभी बहनों की मतलब राखियाँ बंधवाते थे। और पूरा हाथ है वो सारा हाथ भर जाया करता था। और राखियाँ भी आजकल डिज़ाइन वाली राखियाँ बनी हुई हैं, कुछ अलग अलग तरीके की, अब तो कार्टून की आ गई। पहले होती थी वो मोटी मोटी राखियाँ स्पंज वाली अब तो नहीं मिलती वो राखियाँ, मतलब पूंछी बोलते थे उसको, पूंछी, इतनी मोटी मोटी राखियाँ मिलती थी वो, बड़ी बड़ी, उनके झलर सी लगी होती थी। और किस किस को याद है ये वाली राखियाँ, मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो वो वाली राखियाँ भी मेरे को बहुत याद आती हैं। तो मैं अर्जुन से, अरुण से कहती भी हूँ, अगर वो राखियाँ कहीं मिले ना तो मैं तुम दोनों को वही राखी बांधो और फिर से वो दिन याद करूं। लेकिन मेरी निगाह में आई नहीं है। एक तो वो दिन याद आता है और दूसरा टाइम ये वाला याद आता है कि मतलब सब कुछ ही बदल गया। मतलब वो मायने रक्षाबंधन के, वो मायने, वो मतलब अब कुछ एक अलग सा ही, जो सोचने की शक्ति है ना वो एकदम से ख़त्म हो जाती है। वो कितना खुशी वाला टाइम था ना कि
मतलब अब समझ में आया है, लेकिन खुशी तब होती थी, अभी भी होती है लेकिन तब ज़्यादा होती थी। अब तो ये पैसे वैसे का कोई मोल ही नहीं है, क्योंकि अब सच में पता चलने लग गया कि हाँ रक्षा क्या होती है। नहीं, अब कुछ लेने के लिए नहीं जाते भाई से। और कई भाई ऐसे होते हैं कि जो अपने बहनों से जी चुराते हैं एक तरीके से। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तक वो बहनों का साथ देंगे, अपनी बहनों का लाड़ करेंगे ना, उनकी जो मेहनत है दिन दुगनी रात चौगुनी, उनकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी। तो प्लीज़ कोई भी ऐसा हो इंसान कि वो अपनी बहनों को देने से कतराता हो, तो ऐसा मत कीजिए। आपकी बहनें आपके लिए कितने व्रत रखती होंगी, अपने हस्बैंड के लिए या अपने बच्चों के लिए भी इतना नहीं सोचती होंगी जितना एक बहन अपने भाई के लिए सोचती है। और दूसरी तरफ मेरी बात करूँ मैं कि मेरे भाइयों की, तो पता नहीं क्या सोच के मुझे भगवान ने ऐसे भाई दिए। आप पिछले टाइम से देखा होगा आपने, दो भाई हैं मेरे, अरुण अर्जुन, वो दोनों के दोनों मम्मी और रेनू मेरे को अब बताती हैं, उनके सामने तो जिक्रा नहीं करती। एक दिन रेनू बता रही कि जब तू बीमार थी ना, तब दिन में तो अरुण मेरे को ढाढ़स बंधा था कि अर्जुन को तो बता नहीं रखा था इतना, क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स थे और एग्ज़ाम के बीच में, क्योंकि उसका दिमाग भी थोड़ा ऐसा है कि उसको पता चलेगा ना तो मेरे को नहीं देना, मेरे को ये पढ़ाई नहीं करनी, मेरे को मेरी बहन के पास जाना है ये वो। और वाकई में ऐसा हुआ कि जिस दिन उसको ये पता चल गया ना कि हाँ भाई कन्फर्म कि पता नहीं जीजी बचेगी या नहीं बचेगी, तो वहीं की वहीं उस मैडम को वो पेपर थमाके, तब वो एग्ज़ाम देने का आया था थमाके, और जा रहा हूँ मैं तो जयपुर। ठीक है, कोई भविष्य की चिंता नहीं की उसने। और दूसरी तरफ अरुण दिन में तो ये कहता कि जीजी अपनी बहन ठीक हो जाएगी रेनू से, क्योंकि रेनू वहाँ पे उस टाइम थी नहीं। रेनू शायद 3-4 दिन बाद जब मुझे होश आ गया था तब गई थी रेनू, और रात को फिर रेनू के सामने रोता वो कि मैं किसको कहूँ, मम्मी को भी नहीं कह सकता है कि अपनी जीजी इतनी सूजन सी आ जाती है ना चेहरे पे। लास्ट टाइम उसने माँ को देखा था, मेरी नानी माँ है, तब उनके चेहरे पे ऐसी ही सूजन आई थी जब उनका अंतिम समय पास में आया था। और मेरे टाइम पे भी मैं डबल सूज गई थी, मेरे शरीर से डबल हो गई थी। तो वो दिन में तो मतलब बड़ी बड़ी बातें करता, कुछ नहीं है सब ठीक है ठीक है, और रात को फिर वो रोता रेनू के सामने, जीजी हमारी बहन नहीं रही तो हम क्या करेंगे, हैं हमारा तो मतलब सब कुछ लूट जाएगा। उसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, प्रतीक जी हैं, उसका ही घर है, हम सब तो मतलब हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। चाहे हम सारे, एक तरीके से ये भी था डॉक्टर का, भाई आजकल पैसे इतने ज़्यादा लेते हैं, कोई भी हॉस्पिटल में चले जाओ डॉक्टर पूरा मुंह खोल देते हैं हॉस्पिटल वाले कि ये चाहिए वो चाहिए। तो यूं बात करते थे दोनों जने कि चाहे हम अभी घर खरीद रहे हैं ना, मतलब ये वाला घर बना रहे हैं, इसको भी बेच देंगे हम, मौसा जी आ रहे हैं वो भी सब कुछ कर देंगे अपना, वो भी सब कुछ बेच देंगे, लेकिन हमारी जीजी को ज़रूर बचाएंगे। चाहे वो कोमा में है, डॉक्टर ने तो ये कह दिया था कि वो क्या पता कोमा से कब बाहर निकले, लेकिन इन्होंने आस नहीं तोड़ी थी अपनी कि कुछ नहीं कोई बात नहीं कोमा में है तो चाहे सारी ज़िंदगी कोमा में रहेगी, लेकिन हम उसको हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकालेंगे। ऐसे ऐसे भाई मिले हैं दोनों। जब मैं रेनू तो घबराती नहीं है सिचुएशन से, चाहे किसी टाइप की सिचुएशन आ जाए, और मैं थोड़ा ना वीक पड़ जाती हूँ। पता है जब मेरे को ये दिक्कत नहीं हुई थी ना, तो उससे पहले ये दोनों ये कहा करते कि तेरे भाई रावण है रावण। मेरे को समझ नहीं आता था, रावण अच्छा नहीं लगता था मुझे। ठीक है, ये रावण क्यों बोलते हैं खुद को, राम बोलना चाहिए, मेरे भाई इतने अच्छे हैं। लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि हाँ राम जी की बहन को तो मैं नहीं जानती, होगी कोई तो मुझे बताना आप, लेकिन हाँ रावण की बहन है, उनके लिए जो रावण ने किया वो कोई और नहीं कर सकता अपनी बहन के लिए। उस रावण को पता था कि हाँ वो किससे लड़ रहा है, जगत का जो पालनहार है उससे लड़ गया वो अपनी बहन के लिए, और क्या चाहिए। नहीं तो भाई हैं तो सबके भाई ऐसे होने चाहिए,
और मैं तो भगवान से ये कामना करती हूँ दोनों वक्त मिलने वाले हैं भगवान, हर जन्म में मेरे को यही भाई मिले, यही माँ मिले, मम्मी का तो आपको पता ही है, यही बहन मिले, मतलब जितना मेरा परिवार है यही हस्बैंड मिले, यही बच्चे मिले, यही यूट्यूब फैमिली मिले, अगले जन्म में भी मैं ब्लॉग ही बनाऊँ, ठीक है? क्योंकि भगवान भूल ना जाइयो मेरे को, ठीक है? मुझे अच्छा लगता है आप सबसे जुड़ के, आप सबसे बातें करके, और तो कोई मतलब 10 मिनट किसी के पास में बैठ जाओ तो वो अपने गाने लग जाते हैं पहले, नहीं? और यहाँ पे जिसको मेरी बात सुननी होगी वही आके सुनेगा, नहीं यूट्यूब पे? तो थैंक यू यार आप सबके लिए, राम राम आप सभी को, और रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं, और आप सबके भाइयों की उम्र है वो दुगनी हो जाए, और मेहनत है वो दिन दुगनी और रात चौगुनी, के साथ साथ उसका फल 8 गुनी ये सब हो, भगवान कृपा करे सबके ऊपर, और ऐसा मेरे भाइयों के लिए भी कहिएगा आप, ठीक है? बाय, मिलते हैं कल, क्योंकि अंधेरा हो रहा है, मेरा चेहरा दिखना बंद हो जाएगा इस फ़ोन के अंदर।